एक रामबाड़ा से डाइवर्जन आता है, एक शॉर्टकट एक लॉन्ग कट, तो मैं अभी शॉर्टकट वाले में हूँ। लॉन्ग कट वाला आप देख सकते हैं मेरे सामने नीचे, तो यहाँ पे दो रूट है, तो आप रूट को देख सकते हैं नीचे। तो ये वाला जो है ना, ये काफ़ी थोड़ा सा लॉन्ग है, लॉन्ग कट है। पहले आपको थोड़ा सा डाउन जाना पड़ेगा, फिर थोड़ा सा अप जाना पड़ेगा। तो सामने केदारनाथ है, ऊपर टॉप में जूम तो नहीं हो पाएगा गोप्रो इसलिए। तो ये वाला जो मेरा पैरेलल रूट चल रहा है, ये थोड़ा लिटिल बिट लॉन्ग है, 500 मीटर। तो मैंने ये वाला रूट पहले, पिछली बार मैंने ये वाला रूट फॉलो किया था, इस बार मैं ये वाला रूट फॉलो कर रहा हूँ। और बारिश कभी भी हो सकती है, शाम हो चुकी है, रेनी वेदर हो चुका है, तो मुझे जल्दी जल्दी कवर करना है डिस्टेंस। और बीच में मंदाकिनी रिवर है, धीरे धीरे बारिश होने लगी, अंधेरा शुरू होने लग गया है। अभी केदारनाथ हमें 3 आवर्स और लगेगा, यहाँ से 9 किलोमीटर है केदारनाथ। रामबाड़ा आ गया। तो ये डाइवर्जन आप याद रखना रामबाड़ा से ही है, ओके। वाटरफॉल भी है सामने, लिफ्ट उठा सकते हैं वाटरफॉल का, तो मेरे पैरेलल वाटरफॉल है। तो रामबाड़ा आ गया, केदारनाथ मूवी को फील करते हुए आइए यहाँ पे। थोड़ा यात्रा शॉर्ट लगेगी आपको, ठंडा काफी लग रहा है, जो स्वेट है ना अब वो पानी जैसा लग रहा है, जैसे अपने आप में। थोड़ा बारिश से थोड़ा कीचड़ हो जाता है, मड़ जैसा, तो थोड़ा स्लीपी हो जाता है।
बारिश हो सकती है कभी भी, रेनकोट अवश्य अपने साथ लाइए क्योंकि यहाँ वेदर का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है वेदर। बी अवेयर, कैरी एंड ब्रिंग योर रेनकोट विद यू, ओके, एनी टाइम रेनकोट, यू नीड अ रेनकोट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रेन, हैवी रेन। ये याद रखना रामबाड़ से थोड़ी चढ़ाई स्ट्रिक्ट हो जाती है, थोड़ा टफ और हो जाता है, लेवल हाई हो जाते हैं रामबाड़ से, तो जो ये रूट है पीछे ये टर्न होके ऊपर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर आएगा, और ये जो सामने ब्रिज है ये डायरेक्ट ऊपर जाएगा, तो ये ब्रिज डायरेक्ट ऊपर जाएगा, वो वाला थोड़ा लॉन्ग है पर लोगों को शॉर्टकट लगता है क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आते हैं, जो रिपीट आया है यहाँ पे वो इसी रूट को फॉलो करेगा जो रूट मैंने फॉलो किया है, क्योंकि वो थोड़ा लॉन्ग है, पिछले बार मैं आया था वहाँ से, तो ये सिंपल है, नया रूट है, वो पुराना रूट है, वो वाला नया रूट है, आपको दिखा दूँ मैं कौन सा नया है। अब धीरे धीरे अंधेरा होने लग गया तो अब मैं वीडियो शूट नहीं कर पाऊंगा, तो अब सीधे मैं रामबाड़ा से ऊपर केदारनाथ ही आपको मिलूंगा। अभी सोने का टेंट का व्यवस्था, अकोमोडेशन देखनी है क्या अकोमोडेशन अवेलेबल है ऊपर, तो ये लास्ट वीडियो है, इसके बाद मैं डायरेक्ट केदारनाथ में आपसे मिलूंगा। अब अगली मुलाकात केदारनाथ में होगी आपसे, काफी थका देने वाली यात्रा है ये केदारनाथ, और लाइट की फैसिलिटी भी देखेंगे हम, लाइट कैसे कैसे अवेलेबल है ऊपर। स्टेप आ चुके हैं, काफ़ी हार्ड से लग रहे हैं, और ये रामबाड़े के ब्रिज में मैं आ चुका हूँ। ये ऊपर चढ़ाई है जहाँ मैं पॉइंटिंग कर रहा हूँ अपनी फिंगर, लिटिल लिटिल रेन, हाँ लिटिल लिटिल। लोग श्रद्धा से नंगे पांव भी आए हुए हैं यहाँ पे तीर्थ करने, केदारनाथ मूवी का डायलॉग है, पांडव आए थे अपने पश्चाताप के लिए और तीर्थयात्री आए मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, जिनके भाग्य में केदारनाथ अमरनाथ के दर्शन होते हैं वो बाबा केदार के बदौलत होते हैं। ये डायलॉग केदारनाथ मूवी का है, चाहे वो अमरनाथ हो या केदारनाथ। ये वो पॉइंट है
जो पुराना वाला ट्रेडिशनल रूट है तो आप यहाँ से आ सकते हैं, यहाँ से जा सकते हैं। और जो वो नया वाला था वो नया रूट है पर थोड़ा लॉन्ग है, 500 मीटर लॉन्ग है वो रूट। तो मैं इस ब्रिज पे आ चुका हूँ, यहाँ पे स्नान भी कर सकते हैं आप, नहा सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया देव प्रयाग में। तो यहाँ पे भी आप नहाने का लुत्फ़ उठा सकते हैं, अपनी आत्मा को तृप्ति दे सकते हैं और अपनी अमरनाथ और जैसे अमरनाथ यात्रा और केदारनाथ यात्रा के लिए निकल सकते हैं। केदारनाथ से मंदाकिनी की निकलती है। तो मंदाकिनी रिवर के ऊपर हूँ मैं, मंदाकिनी नदी है यहाँ पे। तो मेरे पीछे मंदाकिनी रिवर है केदारनाथ की, और काफ़ी फॉग सा मौसम हो रखा है यहाँ पे, फॉग ही फॉग है। आप ऊपर देखेंगे तो फॉग ही फॉग है, बारिश कभी भी हो सकती है। बारिश काफ़ी हो गई है, रेनफॉल हो गया है, काफ़ी तेज़ बारिश होने वाली है यहाँ पे, थंडरिंग हो रही है, बिजली कड़क रही है, काफ़ी थंडरिंग हो रही है। तो हमें जल्द से जल्द पहुँचना है यहाँ पे, मेरा फ्रेंड है वो पीछे रह गया है, तो फास्ट फास्ट मोमेंट को हमने कवर करना है। जैसे आप बारिश की गरज देख सकते हो काफ़ी तेज़ है, तो यहाँ पर लोग चिल्लाने लग गए हैं काफ़ी। सो मौसम काफ़ी बिगड़ चुका है यहाँ पे केदारनाथ में, फर्स्ट डे ऑफ द केदारनाथ, बारिश कभी भी बहुत हैवी बारिश हो सकती है। तो अभी अकोमोडेशन का देखना बहुत ज़रूरी है, तो अभी मैं रेन बसेरा में जाता हूँ जल्दी जल्दी। तो मैं रेन बसेरे में आ गया हूँ, अब यहाँ पे जल्दी से कवर अप करना है अपना बैग। मैं अपनी रिकॉर्डिंग यहीं पर बंद करता हूँ, बने रहिए माइल्स ऑन स्टेप्स के साथ, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए मेरे अपकमिंग चैनल के लिए बद्रीनाथ के लिए।